जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके सामने चैप्टर नंबर 6 है कक्षा 12 इतिहास के अंदर भक्ति एवं सूफी परंपरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, नाका लग जाएगा अच्छे से। देखिएगा प्यारे दोस्तों, एक एक प्रश्न को अच्छे से सुनना, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहे हैं, मैं दवा ठोकर कहता हूं दोस्तों यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और आपके राइट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर फुल एक्सप्लेन करूंगा, आपको सिर्फ सुनना है ध्यान लगा के, ठीक है। और सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दीजिएगा। साला पुष्पराज झुकेगा नहीं, ऊंचा हो जाएगा दोस्तों लेकिन झुकेगा नहीं। देखो आपके सामने 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, अलवर और नैनार किससे संबंधित है? मैं इन सभी के उत्तर आपको बताने वाला हूं, साथ ही और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूं, आप ध्यान लगा के वीडियो को सुनिएगा। अलवर और नैनार किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन क्या है, अलवर और नैनार किससे संबंधित है? प्यारे मित्रों तो याद रखना, अलवर और नैनार किससे संबंधित है? तो आप लिखेंगे अलवर, देखो अलवर जो है वो किससे संबंधित है? अलवर जो है वो वैष्णव से संबंधित है। किससे? वैष्णव से। यानी आपको कहने का मतलब है अलवर और नैनार कौन है? अलवर और नैनार संत है। अलवर संत जो है वो विष्णु को मानते हैं, विष्णु के उपासक हैं। उसी प्रकार से जो नैनार है, नैनार याद रखना, नैनार ये जो नैनार है प्यारे मित्रों, ये नैनार जो है वो शिव है, कहने का मतलब है शिव के उपासक हैं। तो पूछा जा सकता है कि अलवर और नैनार कौन है? तो अलवर और नैनार संत है। अलवर जो है वो विष्णु के उपासक हैं, विष्णु को मानते हैं अलवर, और नैनार जो है वो शिव के उपासक है, यानी शिव को मानते हैं। बिल्कुल आप सभी को अच्छे से याद हो गया ना सभी को याद? मेरे पीछे पीछे बोलो एक बार दोबारा, बोल क्यों नहीं रहे हो, फोन को पकड़ के बैठे क्यों हो, बोलो जल्दी से। अलवर कौन थे? अलवर विष्णु के उपासक है, यानी विष्णु को मानते हैं अलवर, और नैनार जो है वो शिव के उपासक है, यानी शिव जी को मानते हैं। बताओ याद हो रही कि नहीं हो रही हो? बता फटाफट बता दे, जल्दी याद हो रही नहीं सबने? बिल्कुल, अलवर और नैनार, अलवर जो है विष्णु के उपासक है, नैनार शिव के उपासक है। हो गया याद? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहते हैं? प्यारे मित्रों दोस्तों याद रखना, चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहते हैं? तो चिश्ती संप्रदाय में गुरु को कहते हैं पीर। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? पीर कहते हैं। पीर मेरे भाइयों और बहनों अच्छे से सुन लीजिएगा, चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर नाम से जाना जाता है। अब पीर को ठेको नहीं ले रखी है पर्सन, और भी इस तरीके में पूछिए, क्या पूछिए? देखो दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहते हैं? पर्सन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। याद रखना, वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जो पृथ्वीराज के समय मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिनका जन्म 1143 ईस्वी में सजरी फारस ईरान में हुआ था। प्यारे मित्रों, तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर कहते हैं, तो शिष्य को क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, तो गलत नहीं होना चाहिए। देखो आपको लिखना है चिश्ती संप्रदाय की प्रमुख शब्दावली। चिश्ती संप्रदाय की प्रमुख क्या है प्यारे मित्रों? प्रमुख शब्दावली। शब्दावली अच्छे से याद रखना आप सभी को। देखो मैं यहां पर आपके सामने बताने वाला हूं। देखो चिश्ती संप्रदाय में जो गुरु होता है, गुरु को क्या कहते हैं? चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर नाम से जाना जाता है। प्यारे मित्रों, गुरु को पीर कहते हैं। उसी प्रकार से जो शिष्य होता है, शिष्य होता है शिष्य को किस नाम से जानते हैं? तो चिश्ती संप्रदाय में शिष्य को कहते हैं मुरीद। शिष्य को क्या कहते हैं? कि ये तो मुरीद है। उसी प्रकार से चिश्ती संप्रदाय में जो उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराधिकारी को कहते हैं प्यारे मित्रों, अच्छे से याद रखना, वलिद। ठीक है, उत्तराधिकारी को जो है वलिद नाम से जाना जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइएगा आप सभी मुझे कमेंट करके, तीर्थ यात्रा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं? जियारत कहा जाता है। चिश्ती संप्रदाय में तीर्थ यात्रा को क्या कहा जाता है? जियारत कहा जाता है। और जो तीर्थ यात्री होता है, ठीक है, तीर्थ यात्री जो होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है? जायरीन। क्या कहा जाता है? जायरीन कहा जाता है। ये भी प्रश्न आप अच्छे से याद रखें। बिल्कुल यहाँ पर अगला तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है खान का क्या है। बिल्कुल अलग क्वेश्चन मैंने लिया है, यही चिश्ती संप्रदाय के अंदर ही आ गया। प्यारे मित्रों खान का क्या है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे से याद रखना खान का क्या है। तो खान का क्या है प्यारे मित्रों? खान का बोलते हैं रहने के स्थान को, रहने का जो स्थान होता है खान का,
परिभाषा आप लिख सकते हैं कि खान का किसे कहते हैं, तो खान का जो है सूफी संत और धर्म प्रचारकों के रहने का जो स्थान होता है, सूफी संत और धर्म प्रचारकों के रहने का जो स्थान होता है उसको खान का कहा जाता है। अच्छे से याद करें, इसी में एक आएगा शब्द आपके सामने, उर्स किसे कहते हैं, उर्स याद रखना। पीर की दरगाह को दूर दूर से देखने आएंगे, इस परंपरा को उर्स कहा गया। तो ये सब बिंदु आप अच्छे से नोट करें दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय की प्रमुख शब्दावली है कि चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर कहते हैं, तो शिष्य को मुरीद कहते हैं, तो उत्तराधिकारी को वलिद कहते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले को जियारत कहा जाता है, तीर्थ यात्री को जायरीन कहा जाता है, खान का कहते हैं रहने के स्थान को, और उर्स किसे कहा जाता है, पीर की दरगाह को दूर दूर से देखने आते थे, इस परंपरा को कहा गया उर्स। तो ये सब बिंदु आप अच्छे से नोट करें प्यारे मित्रों, अच्छे से याद करें। अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेता हूं, तीन क्वेश्चन हमारे हो गए। अलवार और नैनार किससे संबंधित है प्यारे मित्रों, अलवार और नैनार किससे संबंधित है, अलवार याद रखना, अलवार जो है विष्णु के उपासक यानी विष्णु को मानते हैं अलवार, जबकि नैनार जो है वो शिवजी को मानते हैं, शिव के उपासक है प्यारे मित्रों। दूसरा क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहते हैं, तो चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं, उत्तराधिकारी को वलिद कहते हैं, खान का रहने के स्थान को कहते हैं, जियारत तीर्थ यात्रा को कहते हैं, जायरीन तीर्थ यात्री को कहते हैं, इस तरीके से ये सब बिंदु याद कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है खान का सूफी संत और धर्म प्रचारकों के रहने के स्थान को बोलते हैं खान का। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जो है वो किसके शिष्य थे, तारा तोड़ देंगे अब की बार तो मेरिट को पकड़ के तोड़ देंगे, अच्छे से याद कर लेना। देखिएगा प्रमुख चौथा क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, अच्छे से याद करना, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अब मैं आपको बताता हूं प्रमुख शिष्य, जितने भी जो शिष्य है वो सब बता देता हूं दोस्तों, सिर्फ याद करने वाले होने चाहिए, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। यहां पर चौथा क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। देखो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य है दोस्तों, याद रखना। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब प्रश्न पूछा जाएगा, क्या यही प्रश्न पूछा जाएगा, इसके तहत अलग अलग कई प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक, याद रखना, कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रख लो, एच के बीबी ना, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, एच के बीबी ना ऐसे याद कर लेना दोस्तों। देखिएगा मैं आपके सामने ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, आ रही ना बात समझ में सभी के, बिल्कुल दोस्तों सभी के समझ में आ रही नहीं, हाँ चलो आ रही है। देखो एच से आपको याद रखना है हजरत शेख हारूनी। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि हजरत शेख हारूनी का शिष्य का नाम बताओ, हजरत शेख हारूनी के शिष्य का नाम बताओ, तो आपको क्या याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है प्यारे मित्रों, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य हैं, तो आपको करना है हजरत शेख हारूनी के शिष्य हैं। और बी से आपको याद रखना है बख्तियार काकी, बी से आपको याद रखना है बख्तियार काकी। और ये जो बख्तियार काकी है, याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य है बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी के गुरु का नाम क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखे, ठीक है। और बी से आपको याद रखना है बाबा फरीद। और बाबा फरीद इनके गुरु का नाम है बख्तियार काकी, यानी बख्तियार काकी का शिष्य कौन है, बाबा फरीद, ठीक है। और बाबा फरीद के बाद में एन से आपको याद रखना है निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया ये किसके शिष्य थे, तो ये शिष्य थे बाबा फरीद के, यानी बाबा फरीद का जो शिष्य है वो निजामुद्दीन औलिया है, याद रखे अच्छे से। इसके बाद है आपके सामने ए से अमीर खुसरो। अब जो प्रश्न आपको पूछा था वो क्या पूछा था प्यारे मित्रों, आपको यही प्रश्न पूछा था कि अमीर खुसरो जो है वो किसके शिष्य थे, तो निजा याद कर लेना कि जैसे हजरत शेख हारूनी का शिष्य कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन है, बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद, और बाबा फरीद का निजामुद्दीन औलिया का अमीर खुसरो, ये प्रमुख शिष्य है, आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के, तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर बताओ। सगुण भक्ति में क्या होता है प्यारे मित्रों, सगुण भक्ति में क्या होता है, मूर्ति पूजा की जाती है, जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है वो सगुण भक्ति होती है, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है वो निर्गुण भक्ति होती है। तो प्रश्न अंतर आपको पूछा जाएगा, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर बताओ। तो सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। सगुण भक्ति में क्या होता है, ईश्वर में
विश्वास किया जाता है, ईश्वर के गुण और जाति बताई जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति में यह नहीं बताया जाता, ठीक है। और सगुण भक्ति में आप लिख सकते हैं कि सगुण भक्ति में ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति में क्या होता है, ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं, यह सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उर्स किसे कहते हैं, उर्स उर्स, तो मैंने आपको बता दिया पीर की दरगाह को दूर दूर से देखने आते थे, इस परंपरा को क्या कहा गया, उर्स कहा गया, ठीक है। पीर की दरगाह को दूर दूर से देखने आते थे, इस परंपरा को उर्स कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे, तो कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु थे रामानंद, ठीक है, रामानंद आपको याद रखना है, कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे, रामानंद थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो याद रखें खालसा पंथ की स्थापना पूछी है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी, किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने, याद रखना गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया प्यारे मित्रों, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। सिखों के ये गुरु थे छठे गुरु, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, याद रखे दसवें गुरु, ठीक है। इसके बाद सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं लिखिएगा, सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी है, सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, या फिर ये प्रश्न आपको और दूसरा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं बताओ, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं पूछे या सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं पूछे, आंसर वही लिखना है। आप इसमें लिख सकते हैं सिख धर्म की प्रमुख यही शिक्षा है कि इसमें एक ही ईश्वर में विश्वास किया जाता है, एक ईश्वर में विश्वास किया जाता है, और जाति पाति ऊंच नीच का इसमें विरोध किया जाता है, जाति पाति का विरोध करते हैं, ऊंच नीच का विरोध करते हैं, ठीक है। ये गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मानुष की जाति एक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि जाति एक है, जाति पाति का ये विरोध करते थे, ठीक है। मानु के शुभ कर्मों पर बल देते थे, ये नाम की महानता और उपासना पर जोर देते थे, गुरु की महानता पर बल देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से सिख धर्म की ये प्रमुख शिक्षाएं हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है, अच्छे से आपको नोट करना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे हिसाब से बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आज से सब्सक्राइब करें और लाइव क्लास में जरूर जुड़े दोस्तों, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, हमारे साथ जरूर डेली जुड़े, ठीक है। और नोट्स खरीदना चाहते तो मेरे ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं। मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ओके।